हाँ जी, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, तो मैंने एक न्यू टेलीग्राम ग्रुप, एंड अगर आपकी कोई भी डाउट होगी तो कोई भी स्टूडेंट पूछ देगा। एंड अगर आप लोग पर्सनली हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहती है। हाँ जी, तो इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे एंड इसकी लास्ट डेट वगैरह भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है। एंड अगर हम लोग बात करें तो इसमें 85% सीट दिल्ली स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती है एंड 15% आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए। तो अभी जो इनकी एडमिशन पोर्टल थी वो लॉन्च हो गई है एंड जो डेट 12 सितंबर को इनकी एडमिशन पोर्टल लॉन्च हो गई थी एंड एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी लाइव हो गई है। तो बहुत सारे बच्चों ने फिल कर दिया होगा एंड बहुत वेट कर रहे थे एंड बहुत सारे के साथ तो प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उनकी CVT में बाद में उन्होंने सेलेक्ट किया तो इनकी पोर्टल वगैरह अपडेट नहीं हुई है। तो जैसे ही अपडेट हो जाती है तो फिर आप लोग भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकोगे। तो आप लोग चेक करते रहना क्योंकि अपडेट कभी भी हो जाएगी, क्योंकि जो NTA की करेक्शन विंडो थी CVT के लिए वो बंद हो गई है तो अब वो जल्द ही उसे अपडेट कर देंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इनकी लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की क्या है। तो इनकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए वो रखी गई है 12 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जिन्होंने नहीं किया वो भी आराम से 2-3 दिन टाइम लेके डॉक्यूमेंट वगैरह अच्छे से रख के फिल कर सकते हो। जल्दबाजी करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में मिस्टेक कर देते, डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर देते हैं एंड पेमेंट वगैरह कर देते तो फिर बाद में वो लोग उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास अभी एम्पल टाइम है, तो आप लोग आराम से सब कुछ चेक करके एक दो बार जब फॉर्म चेक करोगे तो एक दो बार आपको प्रीव्यू कर लेने हैं कि आपने सारे नाम वगैरह सब कुछ करेक्ट डाले हैं कि नहीं, डॉक्यूमेंट वगैरह सही डाले कि नहीं, उसके बाद आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एंड अगर आपने बिफोर फॉर्म फिलिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हो, उसमें मैंने बताया क्या क्या गलती आप लोग कर सकते हो एंड जो सारे स्टूडेंट मोस्टली करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी एंड जो भी इनकी लेटेस्ट अपडेट होगी वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।